ए दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और बहुत ही बेहतरीन कॉलेज का हम आज प्लेसमेंट रिव्यू करेंगे, जिसका नाम है टेक्नो इंटरनेशनल न्यू टाउन। दिस कॉलेज ने परफॉर्मेंस के नाम पर तो फाड़म फाड़ प्लेसमेंट्स दिए, साथ में इसके हाईएस्ट पैकेज टच कर रहे हैं 32 लाख को। हम लोग बात करें प्लेसमेंट परसेंटेज की तो दोस्तों 82% के आसपास है, जो बहुत ही बेहतरीन है कंपेयर टू एनी अदर कॉलेज इन द मार्केट करेंटली। इसके साथ साथ इस पर्टिकुलर कॉलेज को टॉप 10 कॉलेज में भी कंसीडर किया जाता है। इसका जो लोकेशन है एकदम प्राइम लोकेशन है दोस्तों, एकदम जो है आप लोग को न्यू टाउन पे देखने को मिलेगा, और एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर सारे IT कंपनीज आपको आसपास देखने को मिल जाएंगे। तो कैंपस भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, डेवलपमेंट में है और काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट्स कर रहे हैं। चलिए आपको दो चार नंबर्स बता देता हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। इनके टॉप 10 रिक्रूटर से सबसे पहले कैपजेमिनी है, जिन्होंने 105 ऑफर्स दिए। इसके बाद है कॉग्निजेंट, जिन्होंने 78 ऑफर्स दिए। इसके बाद आपको TCS 35 ऑफर्स दिए। इसके बाद LTI लर्सन एंड टर्बो, भाई इन्होंने भी 29 ऑफर्स दिए, और LTI बहुत ही कम कैंपस को विजिट करती है कोलकाता में स्पेशली। EY की बात करूं, मेरे पर्टिकुलर ईयर में 16 ऑफर्स आए थे, इस साल यहां पर 27 ऑफर्स। इसके बाद SMPFA 10 ऑफर्स दे रहे दोस्तों। यहाँ पर परसिस्टेंट जैसी कंपनी यहाँ पर 7 ऑफर्स देके जाती है। इसके बाद सोप्रा स्टीरिया, इसके अलावा पिनाकल, इसके बाद ODS, ये सारे ऑफर्स आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं कि टोटल मिलाकर यहीं पर आप देख लें तो 150 से 200 ऑफर्स हो गया टॉप 10 कंपनीज में। सो आपको अगर टोटल सीट्स ही आसपास इसके मिल रहा है तो प्लेसमेंट्स लगना, तो यहाँ पर दोस्तों अच्छी अच्छी कंपनीज मिल जाएंगी। बढ़ते हुए आगे हम देखें दोस्तों इसकी NIRF डेटा। इसकी NIRF डेटा कहती है कि अगर 546 स्टूडेंट्स हैं क्लास में तो वहाँ पर 394 स्टूडेंट्स को मिलता है। 100 स्टूडेंट्स के आसपास जो है अनप्लेस रहते हैं, उसमें से 15 स्टूडेंट जो है चलिए हम मान लेते हैं कि उन्होंने पढ़ाई कर रहे हैं, तो सिर्फ कोर डिपार्टमेंट्स अलग बात हुई, बट अगर आप टॉप ब्रांच में CSE के साइड ब्रांचेस में एडमिशन ले रहे हैं, I am 200% श्योर की जो एक अच्छी प्लेसमेंट्स आपको मिलने के काफ़ी आशाएं हैं। और हम लोग बात करें दोस्तों, इस कॉलेज ने दिन प्रतिदिन जो है परफॉर्मेंस को कॉन्सेंट्रेट डिलीवर किया है। देखिए 500 स्टूडेंट्स में से फिर 380 स्टूडेंट्स, वेरी गुड परफॉर्मेंस। इसके अलावा भी ऑफ कैंपस के ऑफर्स तो यहाँ जुड़ते नहीं है, सब इन कैंपस स्टूडेंट्स की बातें। तो ओवरऑल में ये कॉलेज काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है। हम लोग बात करें दोस्तों सम ऑफ द रिक्रूटर्स कौन से, टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज, कैपजेमिनी, इसके बाद आपको विप्रो दिख जाएगा, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, SAP, ये पूरा का पूरा प्लेसमेंट डेटा मैं आपको दूंगा दोस्तों। कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो वो हम बाद में बात करेंगे। कॉग्निजेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इन्फोसिस, माइंडट्री, एसेंचर, LTI, इसके अलावा लर्सन एंड टर्बो, एसेंचर, एमडॉक्स, HTC, परसिस्टेंट, ये सारे कंपनीज दोस्तों इस पर्टिकुलर कॉलेज में टाइअप्स में है। सिंप्लेक्स है, ये सारे कंपनीज इस कॉलेज के साथ टाइअप्स में। एक तो इसका टेक्नो का नाम है दोस्तों, इसके बाद इतने सारे कंपनीज में टाइअप्स, जॉनसन कंट्रोल जैसी कंपनी, ओवरऑल में प्लेसमेंट्स के मामले में ये कॉलेज काफ़ी कमाल का है। हम बात करें दोस्तों इस कॉलेज की अभी तक की हाईएस्ट पैकेज है 32 लाख्स। 32 लाख्स दोस्तों बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है। हम लोग बात करें दोस्तों तो जॉब ऑफर्स हुए हैं 512 ओवरऑल जॉब ऑफर्स ऑफ कैंपस इन कैंपस को मिलाकर। 82% का दोस्तों प्लेसमेंट्स है यार, कमाल का प्लेसमेंट्स हो रहा है यहाँ। बात करें टोटल कंपनीज की तो टोटल कंपनीज आज तक इस कॉलेज में आ चुकी है 200 से ज़्यादा, काफ़ी कमाल का प्लेसमेंट रेशियो है। हम देखें दोस्तों यहाँ पर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, नहीं मैं नहीं मानता कि जो है कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट का डेटा दे दो विवेक, तो ये देखो आंचल गुप्ता जो है EC डिपार्टमेंट की थी, उसने अनस्टंग यन और LTI दो कंपनीज में अपने आप को रिक्रूट करवाया। तो अगर आप एक अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और अच्छी कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो दिस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन कि आप इसके साथ मूव फॉरवर्ड करें। हम लोग फीस की बात आगे करेंगे। बात करें दोस्तों इस पर्टिकुलर कॉलेज की, आशीष झा इसकी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इसने भी अनस्टंग यन निकाला है। कोर डिपार्टमेंट का बच्चा क्या IT कंपनीज नहीं निकाल सकता? ये देखिए आशीष कुमार झा एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने ये करके दिखाया है। इसके बाद हम बात करें बहादुर रमन मूसा की, जो CSE डिपार्टमेंट ने, उसने Amazon का AWS का रोल निकाला है। Amazon AWS का अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो नहीं भी, तो ये पैकेज 18 LPA से कम नहीं होता या फिर 12 to 18 LPA के आसपास होता है। तो ये कॉलेज क्या AC ऑफर्स नहीं देते या देते हैं यार? इसके बाद जो है अभिरू भट्टाचार्य EC डिपार्टमेंट, देखिए LTI में जा रहा है, कैपजेमिनी, मूसाई, माइक्रोमैंड, इसके बाद LTI, ऐसी बहुत सारी कंपनीज जैसे पिनाकल इन्फोटेक, इलेक्ट्रिकल का डिपार्टमेंट का लड़का पिनाकल इन्फोटेक। इसके बाद हम बात करें दोस्ती क्वालीकॉम में, देखिए यहाँ पर मैकेनिकल का स्टूडेंट जा रहा है। सो अगर वो फॉर एग्जांपल चाहता है कि वहाँ से भी प्लेसमेंट लगे तो देयर इज़ एन ऑप्शन। जेंसी में देखिए इलेक्ट्रिकल का बच्चा जा रहा है जो कॉग्निजेंट में। हम लोग इस नंबर से बात करें दोस्तों तो हम लोग एक बड़े बड़े कंपनीज को अब देखते हैं, जैसे कि लैब वेंटेज गिविंग ऑफर्स ऑफ 7 LPA जा रहा है कैंपस। यहाँ पर हम बात करें दोस्तों कैपजेमिनी हमने देखा ये सारे, तो इसके बाद
देखिए इलेक्ट्रिकल का डिपार्टमेंट का क्या बच्चा क्या इलेक्ट्रिकल में ही काम नहीं कर सकता, कर सकता है श्री महावीर फेरो एंड अलॉयज। अगर आप यहाँ पर जा रहे हैं तो ये सारी कंपनीज भी है। और देखिए ODS ग्लोबल इलेक्ट्रिकल के लिए कंपनीज आ रही हैं। इसके बाद हम लोग बात करें दोस्तों, यहाँ पर देखिए लैब वेंटेज IT डिपार्टमेंट के स्टूडेंट को 7 LPA ऑफर करके जाता है। यहाँ पर डेल टेक्नोलॉजीज़ देखिए EC डिपार्टमेंट को ले जाता है। अगर आप EC में कोर काम करना चाहते हैं दिस इज़ द प्लेस वेयर यू कैन कम। देखिए केका भी जो है आजकल ऑफर्स यहाँ पर दे रहा है। इसके बाद हम लोग बात करें दोस्तों अनस्टंग यान, देखिए अनस्टंग यान CSE के स्टूडेंट्स यहाँ पर है। इसके बाद हम बात करें LTI CSE के स्टूडेंट्स यहाँ पर है। इसके बाद IBM जैसी कंपनीज हैं यहाँ पर। इसके बाद देखिए आप एसमेन एंड स्विच मोबाइल्स हैं। ये जो है दोस्तों ये डेटा लंबा है, बहुत लंबा है, और हम बात करें तो इतनी बड़ी डेटा शीट है मेरे पास, ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट डेटा है। TCS निंजा जैसी प्रोफाइल है जहाँ पर 7 LPA आसानी से मिलता है। सो ये टोटल डेटा जो है दोस्तों, अगर आपको डाउनलोड करना हमारे डेटा से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। और अगर इस कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन्स करवाना चाहते हैं तो बहुत ही सुनहरा मौका है। और इस कॉलेज में जो है टोटल अगर हम लोग फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो वो आपको 6.78 लाख के आसपास पड़ता है, टोटल मिलाकर 6.8 लाख के आसपास, जिसमें से 20,000 रुपीज़ कॉशन अमाउंट होता है जो आपके कोर्स ख़त्म होने के बाद वो अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो टोटल फीस आपका 6.5 लाख के आसपास पहुंच रहा है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन्स लेते हैं CSE के जो रिलेटेड ब्रांचेज हैं उनमें आपके लिए एक बेस्ट प्लेसमेंट रखा हुआ है इस कॉलेज में। इसके अलावा अगर आप IT ले लेते हैं, UR सोने पे सुहागा, EC ले लेते हैं सोने पे सुहागा, आप जाके जो है मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस कॉलेज को आप एज अ टॉप 10 कॉलेज समझ के रखिए। आप जो है इसको ज़रूर ऐड कीजिए अपने काउंसलिंग डिपार्टमेंट में अगर कर रहे हैं तो, या फिर जो है आप डायरेक्ट एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो दिस इज़ अ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस टू यू गो एंड मूव फॉरवर्ड। अब तो ये दोस्तों जो मैंने आपको दिखाया ये तो ओरिजिनल डेटा है, सब कुछ ओरिजिनल है। अब जो है आप इसको आपको डिसाइड करना है कि इज़ दिस कॉलेज फॉर यू, और आपको क्या लगता है ये कॉलेज आपको मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। ऐसे ही दोस्तों हमने GIS यूनिवर्सिटी को भी जो है रिवील किया था, इसके बाद नेताजी सुभाष, इसके बाद जो है नरूला, ये सारे कॉलेजेस का दोस्तों हम ऑफिशियल प्लेसमेंट डेटा आपको दे दे रहे हैं। इवन RTI डेटा मैं जादवपुर का आपको दे दिया। अब दोस्तों और क्या चाहिए, और क्या चाहिए।